नमस्कार दोस्तों, ये मैंने आज क्या देख लिया? क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किस बारे में आपसे पूछ रही हूँ? आज मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा का एक गाना जो हिंदी में रिलीज किया गया है। देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड एंड सरप्राइज थी। मेरे लिए ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस जैसा है। गाने का नाम है नॉर्थ ईस्ट का सुवाली और ब्रू वाइब्स टीवी चैनल का ये गाना है। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी अच्छे गानों के लिए। और अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, अब बस मैं और आप साथ में देखेंगे ये गाना और उसके बाद बात करेंगे इस गाने के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। हिंदी में ये गाना है, त्रिपुरा का गाना लेकिन हिंदी में। ओहो, मस्त, बहुत मजा आ रहा है। हिंदी में गाना है, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट यही है मेरे लिए। हीरोइन तो बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। क्या बात है, ओहो। डोली उठाने के लिए तो लाइन लग जाएगी, इतनी सुंदर हीरोइन है। एक से बढ़कर एक ड्रेस, एक से बढ़कर एक कॉस्ट्यूम, बहुत अच्छा। हीरो की एक्टिंग देखिए, बिल्कुल एक जैसा एक्सप्रेशंस है और बहुत क्यूट है। और आखिरकार उन्होंने स्माइल कर ही दिया है। मजा आ गया सच में। इस गाने को देखकर इतना ही कहूंगी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जी हाँ, जितनी भी तारीफ करूं मुझे कम ही लग रहा है। एक बेहतरीन सा पैकेज के साथ नॉर्थ ईस्ट का सुवाली रिलीज किया गया है। हिरेश रियांग और सुष्मिता रियांग इस गाने में अपना जलवा, अपना कमाल दिखा रहे हैं। जिस तरह के लटके झटके उन्होंने दिए हैं, उससे मेरा दिल तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया है, बाग बाग हो गया है। खासकर सुष्मिता रियांग की ब्यूटी ने लोगों के दिलों के साथ साथ मेरे दिल को भी जीत लिया है। इतने सुंदर और कमाल के एक्सप्रेशंस और जबरदस्त डांस, साथ ही इतनी हॉट सुष्मिता लग रही है कि बस मैं क्या ही कहूं। जी हाँ, लड़की हूं फिर भी ये बात कह रही हूं। हिरेश रियांग के क्यूट एक्सप्रेशन मुझे जानलेवा लग रहे हैं। अपने पार्ट को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है और अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उन्होंने कॉन्स्टेंटली उस गाने में बनाए हुए थे और लास्ट में जाकर उन्होंने क्यूट सी एक स्माइल दी है।
हीरो हीरोइन के बाद अब इस गाने की द मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सन की बात कर लेते हैं। अनामिका रियांग जो इस गाने की सिंगर हैं, उनकी आवाज किसी बॉलीवुड सिंगर से कम नहीं इसमें लग रही है। आवाज में इतना दम है, इतनी कशिश है, इस मस्त गाने में उन्होंने और जान डाल दी है। मुझे उनकी आवाज बहुत ज्यादा पावरफुल इस गाने में लग रही है और इस वीडियो की जो कोरियोग्राफी है वो भी मुझे बहुत जबरदस्त लगी है। पूरे गाने में ऑडियंस को उन्होंने बांधे रखा है। खोरेंद्र त्रिपुरा जो कि इस गाने के कंपोजर हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, उन्हें त्रिपुरा के गाने को जिस तरह से हिंदी का टच दिया है वो मुझे कमाल का लग रहा है। इतनी सरप्राइज मैं इसे देखकर हो गई थी कि त्रिपुरा में हिंदी गाना कितनी खूबसूरती से लिखा जा सकता है और गाया भी जा सकता है। इस गाने की सिनेमेटोग्राफी काफी सोच समझकर की गई है और बिल्कुल वेस्टर्न जगहों पर शूट्स किए गए हैं, तो बेहतरीन म्यूजिक, जबरदस्त गाना भी है, जबरदस्त कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी भी एक नंबर का बनाया गया है। हीरो हीरोइन एंड जो डांसर्स हैं उन सबका एक साथ जो परफॉर्मेंस हुआ है वो मिलकर सुपर हिट बन गया है। तो एक कंप्लीट पैकेज है और इन सबका क्रेडिट ओवरऑल किसको जाता है? म्यूजिक वीडियो के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर रथिंद्र रियांग को जाता है। मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस को जरूर देखना चाहूंगी। मुझे बहुत मजा आया इस गाने को देखकर और त्रिपुरा के टैलेंट्स को उभरते हुए देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस गाने को बॉलीवुड का टच दिया गया है क्योंकि गाना हिंदी में है और हिंदी से ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट क्या पूरा इंडिया कनेक्ट करेगा और इसीलिए इस गाने की रीच और ज्यादा बढ़ सकती है। गाना मुझे बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। जितनी भी तारीफ करूं इस गाने की वो कम ही होगा। कॉस्ट्यूम, सीन, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। तो आज मेरा जो दिन है वो बन गया है। आपका दिन इस गाने को देखकर कैसा बना वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आगे भी आपको इस तरह के रिएक्शन वीडियोस और नॉर्थ ईस्ट वीडियोस से जुड़े हुए कंटेंट वीडियोस देखने पसंद हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए आज के लिए। हम भाई दोस्तों और नमस्कार।